बात है 1962 की, भारत चीन युद्ध में शहीद हुए वीरों की, उन वीरों की जो अपनी आखिरी सांस तक भारत माँ की रक्षा करते रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वी आर हेल्पर में। चलिए सुनते हैं ऐसे ही एक सूरवीर की कहानी। सूबेदार जोगिंदर सिंह का जन्म पंजाब के मोगा जिले के एक किसान परिवार में हुआ। 28 सितंबर 1936 में उन्हें ब्रिटिश भारतीय सेना में नियुक्त किया गया। सन 1948 में उन्होंने भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान से लगी सीमा पर अपनी सेवाएं दी तथा कबीलाई पाकिस्तानियों के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया। अक्टूबर 1962 चीन के साथ तनाव के चलते उन्हें नेफा के तवांग सेक्टर में बुमला पास पर तैनात किया गया। तवांग चाइना के विरुद्ध भारत के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए भारत यहां किसी भी तरह की चीन की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैकमोहन लाइन ने भारत और चीन के क्षेत्र को भलीभांति अलग किया है, लेकिन फिर भी चीन बार बार लद्दाख क्षेत्र के अक्साई चिन और नेफा जो कि अब अरुणाचल प्रदेश है उस पर अपना अधिकार जताता रहा है। चीन के साथ इसी तनाव के चलते बिना किसी तैयारी के सिपाहियों को नेफा और लद्दाख के खतरनाक इलाके में भेज दिया गया। सूबेदार जोगिंदर सिंह और उनके पलटन के सिपाहियों ने बिना डरे चीनियों के मानसिक युद्ध का मुकाबला किया, क्योंकि उन्हें निर्देश दिए गए थे पहले हमला ना करने की। लेकिन 23 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत के विरुद्ध हमला बोल दिया और 200-200 की संख्या में 3 टुकड़ियां भारत की तरफ भेजी। सूबेदार और उनके सिपाहियों ने 2 टुकड़ियों को दूर जटा दी, लेकिन वो खुद भी अब आधे ही रह गए थे। गुस्सा आए चीनियों ने तीसरी टुकड़ी को भारत की तरफ भेजा, जिसका मुकाबला सूबेदार और उनके सिपाहियों ने डट कर किया। गोली लगने और गोला बारूद खत्म होने के बावजूद सूबेदार जोगिंदर सिंह और उनके सिपाही चीनियों को लगातार अपने खंजरों से मौत के घाट उतारते गए। उन्होंने अपने कंपनी कमांडर लेफ्टिनेंट हरिपाल सिंह द्वारा दिए गए वापस आने के निर्देश को भी ये कहकर मानने से इनकार कर दिया कि न ही मैं और न ही मेरे सिपाही अपनी पोस्ट छोड़कर वापस आएंगे। आज अगर चीनी तवांग तक पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें मेरी लाश पर से गुजरकर जाना होगा। शहीद होने से पूर्व सूबेदार ने अकेले ही 50 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। इस सबूत पूर्व शौर्य को देख भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा। उनकी याद में तवांग युद्ध स्मारक में उनका एक स्मारक भी बनाया। सत सत नमन ऐसे बहादुर सैनिकों को जिन्होंने देश को सर्वदा ऊपर रखा तथा अंतिम क्षण तक उसकी रक्षा करने की दिशा में कार्य किया। अगर आपको ये इंस्पिरेशनल स्टोरी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। इससे हमारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी।